पंजाब के अमृतसर में दशहरे के दिन रावण दहन देखने आए लोगों के ऊपर जिस तरह ट्रेन काल बन कर आई, ये महज हादसा नहीं, काल के कपाल पर एक इतिहास बनकर रह गया है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो दशहरा देखने गया है, वापस घर नहीं आ पाएगा। घरों में मातम छाया हुआ है, लोगों के अंदर गुस्सा तो है, लेकिन गुस्सा किस पर उतारे, रेलवे की गलती बताएं या खुद की, या फिर जिसने आयोजन किया था उस पर। आयोजक घटना के दिन से गायब है, अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। रेल पटरी पर होने वाला यह हादसा रेलवे के इतिहास की सबसे भीषण दुर्घटनाओं में शामिल हो गया है। आज हम आपको बताएंगे भारत पटरियों पर किस तरह हादसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 4 जून 2002 कासगंज फाटक को पार करते समय एक यात्री बस की कानपुर कासगंज एक्सप्रेस टक्कर हुई। हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई, 29 अन्य लोग घायल हो गए थे। 4 जून 2010 कोयम्बटूर मेट्टापलायम विशेष ट्रेन कोयम्बटूर के पास इडिगाराई में एक मानवरहित फाटक को पार कर रही मिनी बस से टकराई, 5 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के काशी रामनगर जिले में 7 जुलाई 2011 को थाना गांव में मथुरा छपरा एक्सप्रेस के मानवरहित फाटक पर एक बस के टकराने से 38 लोगों की जान चली गई और 30 घायल हो गए। त्रिवेंद्रम कोझिकोड 26 फरवरी 2012 को जनशताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आकर आतिशबाजी देख रहे 3 लोगों की मौत हो गई, हादसे में एक आदमी घायल हुआ। उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में 20 मार्च 2012 लखनऊ के 296 किलोमीटर दूर एक मानव रहित रेल फाटक को पार करते समय क्षमता से अधिक यात्रियों वाली टैक्सी वैन ट्रेन से टकराई, 15 लोगों की जान चली। बेंगलुरु के बाहरी इलाकों में 26 मार्च 2012 कन्नम मंगल गेट में बजरी ले जा रहे ट्रक के साथ मेमू ट्रेन के टक्कर, ट्रक और मेमू ट्रेन चालक की मौत हो गई। पंजाब के अमृतसर के जोड़ा फाटक के पास 19 अक्टूबर 2018 को दशहरे के मौके पर रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। लोग रेल की पटरियों पर खड़े होकर रावण दहन देख रहे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार में ट्रेन आई और सैकड़ों लोगों को कुचलती हुई चली गई, हादसे में 61 लोगों की मौत हो गई। SPN 9 न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।